नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी हो तो आपको किन किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी है तो आपको सबसे पहले अपना बजट एक कॉन्स्टेंट करना चाहिए कि आपको किस बजट के अंदर आपको अपनी गाड़ी खरीदनी है। और सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय आपको एक चीज का तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो आप गाड़ी खरीद गए हैं वो अभी मार्केट में है या नहीं, क्या वो मॉडल ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया। जैसे मैं बात करूं, अगर आप गाड़ी रिट्ज खरीदना चाहते हैं तो रिट्ज गाड़ी जो कि अभी मार्केट में बंद हो गई है, तो वो गाड़ी अगर आप खरीदेंगे तो उसके बाद में आपको स्पेयर पार्ट मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर आप जब भी गाड़ी खरीदें तो गाड़ी आप हमेशा एक मेंटली प्रिपेयर्ड होकर खरीदें कि अगर आप गाड़ी अपने 5 लाख के बजट में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद गए हैं तो 5 लाख के बजट में अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको स्कॉर्पियो या फिर आपको एक्सयूवी या फिर आपको टोयोटा कोरोला जैसी गाड़ी मिल जाएंगी। लेकिन वो गाड़ियां क्या कहती हैं कि आपको 5 लाख के बजट में तो मिल जाएंगी, लेकिन वो नई गाड़ी जैसे 12 या 13 लाख रुपए की आती हैं तो उनका जो मेंटेनेंस रहेगा वो 12-13 लाख रुपए के हिसाब से होगा। तो इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि उन गाड़ियों का मेंटेनेंस कम नहीं होगा, उन गाड़ियों का मेंटेनेंस 12-13 लाख रुपए के हिसाब से रहेगा। मेरा मतलब है कि उन गाड़ियों का मेंटेनेंस आपका कोई सस्ती गाड़ी 5-6 लाख की गाड़ी के बराबर का नहीं रहेगा, जैसे मारुति की वैगनार वगैरह या फिर स्विफ्ट वगैरह का मेंटेनेंस होता है, उन गाड़ियों का मेंटेनेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा। तो इस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ही गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते टाइम किन किन चीजों का, अगर हो सके तो आपको सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय सबसे पहले तो आपका कोई मैकेनिक हो जानकार, तो मैकेनिक को ही लेके जाना चाहिए सेकंड हैंड गाड़ी को वेरीफाई करने के लिए। अगर इन केस आपके पास कोई मैकेनिक नहीं है और आपको खुद ही गाड़ी वेरीफाई करनी है तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे आप काफी हद तक अकेले खुद ही गाड़ी को वेरीफाई कर सकते हैं और आपको काफी हद तक एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो जब भी आप गाड़ी खरीदें या गाड़ी आप देखने जाएं तो गाड़ी को कभी भी छत अंडररूफ मतलब छांव में या फिर किसी बिल्डिंग में खड़ी हो तो वहां पे गाड़ी को चेक ना करें। गाड़ी को चेक करने के लिए आप हमेशा गाड़ी को एक बाहर धूप के अंदर गाड़ी को ले आएं। धूप के अंदर गाड़ी को लाने से क्या होगा कि आपको गाड़ी हमेशा गाड़ी के जितने भी गाड़ी का जो भी कलर है और गाड़ी के जितने भी पार्ट हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे कि गाड़ी में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, और गाड़ी अगर कोई पेंट हुई है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको बाहर से बताता हूँ कि गाड़ी को कैसे किस तरीके से इंस्पेक्शन करना है। तो गाड़ी को सबसे पहले आप धूप में खड़ी कर लें, और गाड़ी को बाहर खड़ी करने से क्या होगा कि आपको गाड़ी का सारा ओवर लुक पता चल जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर गाड़ी का कोई भी दरवाजा या फिर गाड़ी का कोई भी पैनल पेंट हुआ है या फिर कोई रिपेयर हुआ है तो आपको इजीली पता चल जाएगा। मेरे पास ये मारुति की वैगनार है तो मैं आपको इसमें एक तरीके से ओवरऑल बता देता हूँ कि आपको गाड़ी पुरानी खरीदते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप गाड़ी के चारों तरफ एक बार नज़र मार लें कि गाड़ी में कोई काम तो नहीं हुआ है, और साथ ही साथ आप देखें कि गाड़ी के दरवाजे या फिर गाड़ी के पैनलों के बीच कोई अनइवन गैप तो नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई अनइवन गैप नहीं है। अगर किसी में गैप होगा तो आप देखें कि जैसे यहाँ पे कम गैप है या फिर कहीं पे ज़्यादा गैप होगा, कहीं पे कम गैप होगा, आपको इवन पता, ये तो एक बाय लुक से ही पता चल जाएगा कि गाड़ी में कहीं पे कोई अनइवन गैप तो नहीं है। तो गाड़ी की जब अब चारों तरफ बॉडी पे एक बार नज़र मार लें कि गाड़ी में कोई अनइवन गैप तो नहीं है। अनइवन गैप के बाद फिर आप एक बार गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री के बारे में डीलर से पूछें। अगर गाड़ी की सर्विस सर्विस सेंटर से हुई है तो आपको सर्विस हिस्ट्री गाड़ी के सर्विस सेंटर से पता चल जाएगा कि उसमें कब क्या काम हुआ है। लेकिन अगर गाड़ी की सर्विस सर्विस सेंटर से नहीं हुई है तो फिर थोड़ा सा आपको खुद ही एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि गाड़ी अगर करीब 20,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर चली है, एक बार आप गाड़ी के चारों टायरों के ऊपर एक बार देख लें कि गाड़ी के चारों टायर कितने घिसे हुए हैं। अगर कोई डीलर आपसे कहता है कि गाड़ी केवल 30,000 किलोमीटर चली है और गाड़ी के टायर बिल्कुल नए हैं तो गाड़ी जरूर ज़्यादा चली है और गाड़ी के टायर चेंज हुए हैं, क्योंकि 30,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी के आधे टायर घिस जाने चाहिए। और गाड़ी के आप चारों टायर देख लें कि चारों टायर एक ही कंपनी के हैं या नहीं है, और गाड़ी के साथ स्टेपनी देख लें कि स्टेपनी गाड़ी की साथ के साथ आप गाड़ी की स्टेपनी देख लें कि स्टेपनी भी उसी के साथ की है या नहीं है। अगर गाड़ी की स्टेपनी भी उसी के साथ की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जेके टायर की स्टेपनी है और मेरी गाड़ी में जो टायर लगे हुए हैं वो भी जेके टायर के हैं, इससे पता चलता है कि गाड़ी के पांचों की पांचों टायर कंपनी के साथ के ही हैं। साथ में फिर आप गाड़ी के एक बार इंजन बे को जरूर चेक करें।
गाड़ी के इंजन बे में एक बार चेक करें कि गाड़ी के इंजन बे में कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं है, कि गाड़ी के इंजन से कहीं पे कोई लीकेज या गाड़ी में कोई ऑयल वगैरह कहीं पे कुछ लीक तो नहीं करगा। और साथ के साथ फिर ये चेक करें कि गाड़ी में कहीं पे कोई, गाड़ी के जो ये प्लग होते हैं जहाँ पे ये शॉकर का वो होता है, तो इधर से आपको पता चल जाएगा कि अगर गाड़ी के अंदर कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये चीज़ें बनी हुई होंगी, ये जो एजेंसी से आती हैं ये चीज़, इधर कोई वेल्डिंग का कोई ना कोई निशान जरूर होगा। साथ में गाड़ी के यहाँ पे वेल्डिंग जॉइंट्स वगैरह को देख लें कि इसमें कोई वैसा अनइवन चीज़ें तो नहीं है या फिर कोई दोबारा रिपेयर किया हुआ तो नहीं है। यह भी आपको इजीली, अगर गाड़ी फ्रंट से कभी डैमेज हुई होगी तो आपको इजीली यहाँ पे पता चल जाएगा कि गाड़ी में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आइडल कंडीशन में ही एक बार गाड़ी का ऑयल जरूर चेक करें कि गाड़ी का ऑयल कैसा है। गाड़ी का ऑयल जो ये दो निशान है इन दोनों निशानों के बीच में होना चाहिए या इससे थोड़ा सा प्लस होना चाहिए। और एक बार चेक जरूर कर लेंगे गाड़ी का ऑयल कम तो नहीं है। और दूसरा ऑयल की ये चेक करें कि इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए और ये ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी का ब्लैक कलर का ऑयल है तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी में या तो सर्विस होनी है या फिर गाड़ी का इंजन कुछ काम मांग रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक बार आप गाड़ी का शॉकर जरूर चेक करें कि शॉकर में कहीं लीकेज तो नहीं है। गाड़ी के शॉकर में अगर कोई लीकेज होगी तो आपको यहाँ पे ऑयल वगैरह का कुछ ना कुछ निशान जरूर दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के शॉकर में कोई लीकेज तो नहीं है। इन सारी चीज़ों की इंस्पेक्शन करने के बाद कई बार क्या होता है कि गाड़ी फ्रंट से तो डैमेज नहीं होती बट रोल ओवर हो जाती है। उसका पता आपको कैसे लगेगा? उसका पता आपको लगेगा ये वाली गैस्केट निकाल के। ये वाली आप गैस्केट निकाल के एक बार जरूर चेक करें कि इसमें क्या होता है कि ये वाले जो स्पोर्ट वेल्ड के निशान हैं ये आपको हमेशा कंपनी से ही मिलेंगे। अगर गाड़ी रोल ओवर हुई होगी तो ये वाले निशान, जब गाड़ी पलटती है तो ये वाले पिलर जब बनेंगे तो ये वाले निशान कभी भी आफ्टर मार्केट इस तरीके के नहीं आ पाएंगे। इधर कुछ ना कुछ अनइवननेस जरूर रहेगी, तो ये वाले निशान हमेशा कंपनी से रहते हैं। जब कंपनी की असेंबली में स्पॉट वेल्डिंग होती है तो ये वाले निशान को पता लगाने के लिए आप एक बार इसको जरूर चेक करें। इससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा गाड़ी कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है। अब हम गाड़ी के अंदर एक बार इंस्पेक्शन करते हैं कि गाड़ी अंदर से किस तरह की है। तो गाड़ी के अंदर आप ये देखें कि सबसे पहले कि गाड़ी अगर 30 या 40 हज़ार किलोमीटर तक चली है तो गाड़ी के जो ये पावर विंडो के निशान होते हैं या फिर ये कोई एसी के निशान है तो ये आपको काफ़ी हद तक इस तरीके के ही मिलेंगे। अगर गाड़ी 80,000 90,000 किलोमीटर चली है तो ये निशान आपको थोड़े से डल मिलेंगे, जैसे कि इन निशानों पे हल्का हल्का सा पेंट छूट चुका होगा। अगर गाड़ी 70-80,000 किलोमीटर चली है तो आपको एक उस तरीके उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली हुई है, कि गाड़ी में कोई मीटर टेम्परिंग तो नहीं हुई है। दूसरा, फिर गाड़ी को आप एक बार नॉर्मल स्टार्ट करें। गाड़ी को नॉर्मल स्टार्ट करने के बाद आइडल कंडीशन में छोड़ दें। आइडल कंडीशन में गाड़ी की सुने कि गाड़ी में कोई अनोइंग आवाज़ तो नहीं आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें अभी कोई आवाज़ नहीं है या फिर कोई रैटलिंग की आवाज़ या फिर कोई अलग तरीके की आवाज़ तो नहीं आ गई। फिर गाड़ी का एक बार एसी जरूर ऑन करें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का एसी ऑन करके नहीं देख करते कि गाड़ी की एसी ऑन है या नहीं है। गाड़ी का एसी ऑन करने के बाद आप गाड़ी के एसी की एक बार कूलिंग जरूर चेक करेंगे, गाड़ी की एसी में कितनी कूलिंग है कितनी नहीं है। और गाड़ी का एसी ऑन होने के बाद अगर गाड़ी में आवाज़ कुछ ज़्यादा चेंज हो गई है या फिर गाड़ी का कंप्रेशर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ गई है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के कंप्रेशर की या तो मेंटेनेंस होनी है या फिर कंप्रेशर आपका चेंज कराना आपको पड़ेगा। जितने आपकी गाड़ी आइडल कंडीशन में खड़ी है उतने फिर आप गाड़ी की सारी चीज़ें चेक कर लें, गाड़ी के हॉर्न, गाड़ी की लाइटें वगैरह सारी चीज़ें, गाड़ी के इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लें कि गाड़ी के इंडिकेटर वगैरह और सारे गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जैसे पावर विंडो वगैरह ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, गाड़ी की लाइट्स वगैरह चल रही हैं या नहीं चल रही। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद एक बार क्लिच जरूर दबा के देखें कि गाड़ी की क्लिच ज़्यादा लाइट या ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर गाड़ी की क्लिच ज़्यादा हार्ड है तो इट माइट बी चेंज कि आपको ये गाड़ी की क्लिच प्लेट को जरूर चेंज कराना पड़ेगा। और साथ के साथ गाड़ी में एक्सीलेटर दें कि गाड़ी में से कोई वैसे धुआं वुआ तो नहीं निकल रहा है गाड़ी के साइलेंसर से।
ये सारी चीजें करने के बाद आप गाड़ी को फिर चला के देखेंगे, गाड़ी को चलाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और गाड़ी को खड़े खड़े एक बार गाड़ी का पूरा स्टेयरिंग लेफ्ट में और गाड़ी का पूरा स्टेयरिंग राइट में जरूर टर्न करके देखें कि गाड़ी के स्टेयरिंग में से तो कोई आवाज नहीं आ रही। अगर गाड़ी के स्टेयरिंग में से कोई कट कट की या चू चू की आवाज आ रही है तो इट माइट बी कि गाड़ी के स्टेयरिंग कॉलम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और ये आपको मेंटेनेंस इसकी करानी पड़ेगी। और जब आप गाड़ी को चला के देखें तब भी आप गाड़ी के पूरे स्टेयरिंग को रोटेट करने के बाद गाड़ी को इस तरीके से मूव करके जरूर देखें कि गाड़ी के स्टेयरिंग में से या गाड़ी में से कोई अनोइंग या गाड़ी की कोई रैटलिंग की नॉइज तो नहीं आ गया। और इसके बाद आप गाड़ी को चलाएं और एक बार गाड़ी को फील करने की कोशिश करें कि गाड़ी के अंदर से कोई अनोइंग साउंड तो नहीं आ गया या फिर कोई रैटलिंग की नॉइस या फिर कुछ अजीब सी कोई आवाज तो नहीं आ रही है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। साथ में फिर आप एक बार चेक करें कि जब आप गाड़ी की क्लिच को छोड़ रहे हैं तो गाड़ी क्या एक्सलेटर गाड़ी कितनी रेस ले रही है। अगर गाड़ी की रेस गाड़ी साथ ही साथ पिकअप ले रही है तब तो ठीक है, अगर गाड़ी साथ ही साथ पिकअप नहीं ले रही या फिर थोड़ा सा टाइम में पिकअप ले रही है तो फिर इट माइट बी कि आपकी गाड़ी का इंजन कुछ ना कुछ इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या गाड़ी की क्लच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और गाड़ी को चलाते टाइम आप थोड़ा सा गाड़ी को खड्डे वगैरह में भी एक बार ले जाके देखें या फिर गाड़ी के सस्पेंशन को चेक करने के लिए आप कुछ ब्रेकर वगैरह पे एक बार ले जाएं जिससे पता चलेगा कि ब्रेकर से कोई आवाज तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जरूर चेक कर लेंगे, गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि लोग गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम तो चेक नहीं करते और गाड़ी को खरीदते टाइम इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते जिससे क्या होता है कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ब्रेक पेडल रेस पेडल को चेक करके भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी गाड़ी कितनी चली है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा घिसे हुए होंगे तो इसका मतलब कि गाड़ी ज़्यादा चली है, क्योंकि 30-40 हज़ार किलोमीटर में गाड़ी के ये बिल्कुल भी नहीं घिसते, बिल्कुल हल्का सा ही इन पे इम्पैक्ट आता है। अगर ये बहुत ज़्यादा घिसे हुए हैं तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चली है जो आपको डीलर झूठ बोल रहा है। वैसे तो आप जब भी गाड़ी खरीदने जाएं तो एक मैकेनिक को जरूर लेके जाएं। अगर आपके पास कोई अच्छा मैकेनिक नहीं है या आपकी नॉलेज में कोई मैकेनिक जानकार नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर 90% मेरा दावा है कि आप एक अच्छी गाड़ी ही घर पे लेके आएंगे। लेकिन आपकी अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ड्राइव सेफ एंड वियर योर सीट बेल्ट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।